बलरामपुर के गैडास बुजुर्ग में एक दलित युवक द्वारा थाने के लोगों द्वारा जमीन कब्जा करने के मामले में आत्मदाह कर लिया जाता है। बताया जाता है कि दशहरे के दिन इस घटना को उसने जब अंजाम दिया तब तमाम लोगों के तमाम अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। 5 लोगों पर आरोप लगा जिसमें पुलिसकर्मी और राजस्व के कर्मी शामिल हैं। बताया जाता है अब इस मामले में हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच ने जो है एक बड़ा निर्णय देते हुए SIT टीम के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि आज शाम तक इस मामले में SIT टीम का गठन कर दिया जाएगा और ये जो टीम है SIT की वो लगातार इस बात की निगरानी करेगी कि किस तरह से इस मामले में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। मैं आपको अगर इस मामले के डेप्थ में ले जाके बताऊं तो राम बुझारत नाम का एक युवक जो कि दलित समाज से आता है वो केवल इसलिए आत्मदाह कर लेता है कि उसकी जो है कुछ ज़मीन पर जो कि एक प्लॉट है व्यावसायिक प्लॉट है उस पर जो है थाने के लोगों द्वारा कब्जा करवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है और उस पर पिलर गाड़ दिया जाता है। दशहरे का दिन होता है और उससे लगातार जो है ये कहा जाता है कि आप स्टे लेकर आइए तब ये कब्जा रोका जाएगा। ये बात वो अपने तहरीर में भी लिख के देता है लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है। राजस्व कर्मियों पर भी ये आरोप लगता है कि उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण में शिथिलता बरती और उसे जो है कार्रवाई करने के लिए जो है काम नहीं किया। अब इस मामले में SIT टीम का गठन हो रहा है, SIT की जांच समिति जो है अब गठित की जा रही है और जो है आज शाम तक ये निर्णय पारित कर दिया जाएगा कि किस इस टीम में कौन कौन से लोग सदस्य होंगे। शासन द्वारा इसमें नामों को भेजा जा चुका है और शासन इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जिस SIT जांच समिति का गठन किया जा रहा है वो पूरी तरह से ठीक ढंग से आए और तमाम जो उसमें रिपोर्ट्स आएँ जो तमाम बातें शामिल हों वो हाईकोर्ट की निगरानी में ही शामिल की जाएँ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में थाने के कर्मियों द्वारा दलित युवक के दावे वाली ज़मीन पर कब्जा करने और उसके बाद युवक द्वारा आत्मदाह करने के मामले में अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस कर्मियों के संलिप्तता की जांच SIT करेगी जिसका उत्तर प्रदेश शासन स्तर से गठन करने के लिए नाम हाईकोर्ट को भेज दिया है जिस पर आज शाम तक फैसला आ सकता है। इस समिति में 3-3 उच्च अधिकारियों के नामों को हाईकोर्ट को भेजा गया है जिसमें एक ADG रैंक के IPS अधिकारी और राजस्व अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। यह समिति हाईकोर्ट के निर्देशन में कार्य करेगी और जांच के उपरांत अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को बंद लिफाफे में प्रस्तुत करेगी। मृतक दलित युवक की विधवा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करते हुए इस मामले की CBI से जांच करने की अनुरोध किया था जिस पर लखनऊ खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों व अन्य के संलिप्तता की जांच के लिए SIT के गठन की संतुष्टि की थी। मामला बलरामपुर जिले के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहीं पास के गांव धोबाह के रहने वाले दलित समाज से आने वाले राम बुझारत और उनके परिजनों की दावे वाली निर्माणाधीन थाने के पास एक जमीन का प्लॉट था। उक्त प्लॉट का मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय ने उस जमीनी विवाद में मामले में कोर्ट कमीशन भी कर रखा था। 23/10/2024 को जब थाने के गेट से सटे प्लॉट पर निर्माण के लिए पिलर का गड्ढा खुदवाया जाने लगा तो राम बुझारत ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए तत्काल एक एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष और उसको दिया। उस दिन महानवमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। उसके एक दिन बाद दशहरे के दिन यानी कि 24/10/2023 को पुलिस कर्मियों द्वारा तमाम लोगों की मिलीभगत के साथ थाने के निर्माणाधीन भवन से सटी जमीन पर जब पिलर खड़ा कर दिया तो राम बुझारत बेहद परेशान हो गया। उसने वहीं पर फेसबुक लाइव करते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की। जमीन के एक टुकड़े के लिए आत्मदाह करने वाले राम बुझारत की मौत 6 दिन बाद हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी हो गया लेकिन उसके पत्नी को और उसके बच्चों को न्याय नहीं मिल सका और धीरे धीरे पीड़ितों की पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा न्याय मिलने की उम्मीद भी मरने लगी। आखिरकार राम बुझारत की पत्नी कुसुमा देवी ने CRPC की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में एक वाद दायर कर उक्त मामले में FIR दर्ज करवाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने इस मामले में शासनादेश जारी करते हुए SIT टीम के गठन के लिए नामों की सूची हाईकोर्ट को भेज दी है। आज शाम तक इस मामले में फैसला आ सकता है कि
कौन कौन से अधिकारी इस जांच समिति में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी अरविंद सिंह के द्वारा तमाम कोशिश की गई और जब उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और इस पर मजिस्ट्रेटल जांच करवाई जो कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने शुरू की थी, उसके बाद से तमाम चीजें तमाम तथ्य सामने आए। बताया जाता है कि इसमें पुलिसकर्मियों का तमाम दोष सामने आया है और तमाम चीजें जो है इस तरह से सामने आई हैं जिसके तहत न्यायिक आदेश पारित करते हुए डीएम अरविंद सिंह ने पुलिसकर्मियों पर जो है कहीं ना कहीं गाज गिराने का काम किया। पुलिसकर्मियों को पर जो है एक FIR भी नोटअप किया गया जिसमें जो है ये बात सामने आ रही है कहीं ना कहीं से कि पुलिसकर्मियों ने अपना नाम जो है निकलवा लिया और राजस्व के साथ साथ 5-6 अन्य कर्मियों पर जो है FIR 156(3) CRPC के माध्यम से बलरामपुर के जब कोर्ट द्वारा कहा गया तब पंजीकृत की गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुसुमा देवी जो कि राम बुझारत की विधवा हैं उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है जब SIT का गठन हो रहा है। अब देखना होगा कि SIT अपने जांच में क्या तथ्य सामने लाती है और किस तरह से इस पूरे मामले में जो तथ्य हैं उस पर जो सामने आते हैं उस पर किस तरह से उन अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।